किसान और उसके बेटे। एक किसान था, उसके चार बेटे थे। वे चारों आपस में झगड़ते रहते थे। किसान खेत का सारा काम बड़ी मेहनत से करता था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसे अपने खेत और परिवार की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन किसान ने चारों बेटों को पास बुलाया। उसने चारों के हाथ में एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने को कहा। चारों भाइयों ने जल्दी से लकड़ियां तोड़ दी। फिर किसान ने सबसे बड़े बेटे को चार लकड़ियां दी और उससे कहा कि वह इन्हें एक साथ बांध दे। बेटे ने चारों लकड़ियां कस कर बांध दी। अब किसान ने बड़े बेटे से कहा कि वह इन्हें तोड़े। बेटे ने बहुत जोर लगाया लेकिन लकड़ियां नहीं टूटी। इसी तरह बाकी तीन बेटों ने भी लकड़ियां तोड़ने की कोशिश की लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तब किसान ने उन्हें समझाया, जब लकड़ियां अलग अलग थीं तब सभी ने उन्हें तोड़ डाला, परंतु जब वे इकट्ठी हुईं तब कोई भी उन्हें नहीं तोड़ पाया। इसी तरह तुम साथ मिलकर नहीं रहोगे तो खेत और परिवार सब टूट कर बिखर जाएगा। ऐसा होने पर एक दूसरे इसका फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा होने पर दूसरे इसका फ़ायदा उठाएंगे। बेटों को पिता की बात समझ में आ गई। अब वे चारों प्यार से मिलकर रहने लगे और पिता की काम में सहायता करने लगे। इससे क्या आपको शिक्षा मिलती है कि एक साथ मिलकर रहना चाहिए। एकता में ही बल होता है, एकता में ही शक्ति होती है।